हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास ट्वेल्थ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का सॉल्यूशन हम कर रहे थे, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। इस वीडियो में लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 को। और जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, जाइए बच्चों नीचे कमेंट किया हुआ है मैंने, कमेंट सेक्शन चेक करिए, कमेंट करके पिन किया हुआ है वहाँ पे, उस कमेंट को वहाँ पे सबसे नीचे आप जाओगे तो आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का चैप्टर नंबर आपको 6 का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और भी कोई चैप्टर अगर आपको करना हो तो लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो में इसलिए आ रहे हैं बिकॉज ये लॉन्ग आंसर टाइप में एग्जाम में आएंगे और आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में नहीं निपटाना चाहता हूँ और मैं अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझाना चाहता हूँ। तो एक बार फिर से आप तैयार रहिए, ये लेंदी होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, और एज इट इज एग्जाम में आता है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है आपको स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, मतलब एक स्फीयर आपको गिवन है। ठीक है, और जो भी गिवन होता है हमारे पास, जो भी फिगर गिवन होता है उसकी जो पैरामीटर होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं। इसका मतलब ये जो स्फीयर हमको गिवन है इसका रेडियस कैपिटल आर एक कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर कैपिटल आर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल आर है ये क्या है, ये आपका रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर है, रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर है। तो आप इसको कैपिटल आर को कांस्टेंट मान के चलेंगे क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट कोन, मतलब लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो वो बात कर रहा है कि अगर इस स्फीयर में हम एक कोन बनाएं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें कोन तो कैसा भी बन सकता है, मतलब समझिए जरा, देखिए कोन ऐसा भी बन सकता है इसमें। ठीक है, और एक कोन ये भी बन सकता है इसमें। ठीक है, और एक कोन ये भी बन सकता है इसमें। ठीक है, तो बहुत तरीके के कोन इसमें बन सकते हैं, लेकिन हमको हमको क्या करना है, हमको करना है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब एक ऐसा कोन बने जिसका वॉल्यूम क्या हो जाए, लार्जेस्ट, और वो जो वॉल्यूम हो कोन का वो क्या हो जाए, 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मतलब समझिए, सपोज हमने अपने सॉल्यूशन में बोला क्या कि लेट वीसी इज वॉट, वीसी इज वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, एंड वी एस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, तो इसका मतलब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है, जरा बात समझिएगा, प्रूफ दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन लार्जेस्ट, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब एक बार तो आपको इस वी सी को लार्जेस्ट करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन को आपको क्या करना है, लार्जेस्ट करना है। करेक्ट, तो इसको लार्जेस्ट करते हुए, लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमम, आप समझ रहे होंगे, लार्जेस्ट का मतलब इसको वी सी को मैक्सिमम करते हो, वी सी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमम करते हो, आपको ये प्रूफ करना है क्या कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू 8/27 ऑफ का मतलब इनटू होता है मैथ्स में। ठीक है, तो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। लेकिन ये करने के लिए आपको वी सी को लार्जेस्ट दिखाना पड़ेगा, वी सी को मैक्सिमम आपको दिखाना पड़ेगा। तो हमको मैक्सिमम इसमें कौन से फंक्शन को करना है, वी सी को। अब वी सी ज़रूर किसी वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा होगा, तो इसके लिए आइए हम इस फिगर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने एक स्फीयर लिया जिसका रेडियस आर है और इस स्फीयर का सेंटर यहाँ कहीं है। ठीक है, अब इसमें जो कोन बनेगा, ठीक है, इस कोन में, इसमें जो एक कोन बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। और अभी हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट कोन दिखाए थे और डिफरेंट डिफरेंट कोन्स जो हमने आपको दिखाए थे उनके रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं और उनकी हाइट भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। बट हम, मतलब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आ गई कि जो कोन है, कोन का हाइट और रेडियस वेरी करेंगे, मतलब कोन का जो हाइट और रेडियस होगा वो वेरिएबल होगा। बट स्फीयर, क्योंकि स्फीयर फिक्स है, शेप किसका चेंज हो सकता है, कोन का, तो कोन का रेडियस और हाइट चेंज होगा लेकिन स्फीयर का रेडियस चेंज नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अलग अलग कोन बन सकते हैं लेकिन हमको वो कोन लेना है जिसका वॉल्यूम क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो सपोज हमने एक कोन बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके का, और ये कोन का बेस है जो कि ऑब्वियसली सर्कुलर होगा। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, ये स्फीयर का सेंटर है। सपोज इसको मैंने कैपिटल सी से दिखाया, कैपिटल सी इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब ये मानी सी बात है, किसी स्फीयर के अंदर आप एक कोन इमेजिन करिए, ठीक है, तो कोन की जो वर्टेक्स से जो हाइट का लाइन ऑफ एक्शन आएगा, हाइट का लाइन ऑफ एक्शन का मतलब हाइट जिस लाइन के अलोंग आप अज्यूम करोगे वो लाइन कहाँ से पास करेगी, सेंटर से। तो ये देखिए सेंटर से पास कर गया, और ये जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ जो है वो क्या है,
कोन देखा ना हमने, कोन, कोन का बेस कैसा होता है, सर्कुलर। तो जो कोन का बेस है, जो सर्कुलर है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, ओ है। ठीक, अब यहाँ पे हमने इसको ए बोल दिया और हमने ओ को ए से ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, अब इस पॉइंट को सपोज हमने बी बोला, ये कोन का वर्टेक्स है, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, क्या ओ से ए तक इसको हम रेडियस बोल सकते हैं? तो मैं यहाँ कहीं नोट कर देता हूँ, ओ ए इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर क्या है, ये है आपका रेडियस, किसका, कोन का, तो रेडियस ऑफ कोन हो गया ये। और अगर आर रेडियस ऑफ कोन है, हमने आपको भी दिखाया था कि अलग अलग कोन इसमें बन सकते हैं, तो ये आर एक वेरिएबल होगा। अब कैसा कोन होगा वो तो भी हम देख लेंगे, ठीक है, ये एक वेरिएबल होगा, ये कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ठीक है। अब हाइट बी से लेके ओ तक बी ओ हाइट हो जाएगी, ठीक है, हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा बी ओ, तो इसको हम कहां नोट करें, देखिए यहां पे नोट करते हैं, ठीक है। तो बी ओ क्या है आपका, हाइट, एच से इसको हमने दिखाया है, ये क्या है, हाइट ऑफ द कोन, और ये भी क्या है, वेरिएबल है, तो ये हाइट ऑफ द कोन, और ये भी क्या है आपका, ये भी वेरी कर सकता है, क्योंकि अलग अलग साइज के कोन हमने आपको बना के दिखाए थे, तो ये भी आपका वेरी करेगा, यानी कि वेरिएबल है, ठीक है। तो एच को भी आप एज अ वेरिएबल अपने क्वेश्चन में ट्रीट करेंगे, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर वी एस से दिखाया है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हो कितना जाएगा, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, आर क्या है, स्फेयर का रेडियस, जो कि कैपिटल आर है, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, VC की, VC इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन का 1/3 πr²h, ठीक है, तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, आर किसका लोगे, कोन का, क्योंकि कोन का वॉल्यूम निकाल रहे हो, तो आर कोन का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, ठीक है। ये सब आपको अपनी कॉपी में यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने वहाँ लिखा, आप अच्छी तरीके से फिगर बनाओगे और लिखोगे कि ओ इज द, ओ इज इक्वल्स टू स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द कोन, ये सब आप लिखोगे। स्मॉल एच क्या है, हाइट ऑफ द कोन, जो कि क्या है, वेरिएबल है, एच और आर वेरिएबल है, एच और स्मॉल आर वेरिएबल है, तो 1/3 πr² और एच, एच क्या है, हाइट ऑफ द कोन, ये हो गया। अब देखिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया था इस वी सी को आपको क्या करना है, इस वी सी को आपको मैक्सिमम करना है, तो वी सी को आप अगर मैक्सिमम करेंगे तो वी सी किसी एक वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए, या तो आर का हो जाए या तो एच का हो जाए। भाई आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आर के रिस्पेक्ट में करोगे कि एच के, दो वेरिएबल है ना यहाँ, तो एच को आप किसके फॉर्म में चेंज कर लो, आर के फॉर्म में। तो इसके लिए हमारा टारगेट, अब हम एच को आर के फॉर्म में लेके आएंगे, तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, इस पॉइंट सी से, सी क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर है, इसको हमने, पॉइंट सी को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, ए से। जब ऐसा हमने किया तो देखो ये सेंटर है किसका, स्फीयर का, ठीक। तो सेंटर से अगर आप सरफेस पे लाई करते हुए किसी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस ही तो हो जाएगा, ये कैपिटल आर, सी ए इज इक्वल्स टू व्हाट, सी ए इज इक्वल्स टू रेडियस हो जाएगा, किसका, स्फीयर का रेडियस तो हो जाएगा ये, ठीक है। और ध्यान से चेक करिए बी से लेके सी तक, ठीक है, बी सी भी तो क्या है, बी सी भी तो क्या है, देखो ना, सेंटर से लेके, और ये पॉइंट बी कहाँ लाई कर रहा है, स्फीयर के सरफेस पे, तो सी से लेके बी तक भी क्या हो जाएगा, या बी से लेके सी तक भी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेडियस, मतलब जो रेडियस की लेंथ है उसी के इक्वल बी सी या सी बी हमारा हो जाएगा, किसकी रेडियस है, स्फीयर की रेडियस, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए एच, ये जो एच है, एच मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ, एच की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, बी से लेके ओ तक, यही तो हाइट है ना कोन की, बी ओ, बी से लेके ओ तक ये हाइट है कोन की। अब बी ओ को आप क्या लिख सकते हो, बी सी प्लस सी ओ, भाई बी ओ इज इक्वल टू व्हाट, बी सी प्लस सी ओ, तो ये हो जाएगा आपके पास बी सी प्लस सी ओ, करेक्ट। तो एच इज इक्वल्स टू बी सी कितना है, अब बी सी तो चलो रेडियस है, हमने आपको बताया, बी सी की जगह आप कैपिटल आर लिख सकते हो, तो बी सी की जगह हमने कैपिटल आर लिखा, प्लस सी से ओ, ये हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, ये 90 है, ठीक है, तो हम ट्राइंगल सी ए ओ में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल सी ए ओ, ध्यान से चेक करिए, 90 के सामने क्या है, हाइपोटेन्यूस सी ए, यानी कि सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि सी ओ का स्क्वायर, और प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ओ ए का स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सी ओ, तो ओ ए को इधर भेज दो, यानी कि आपका आ जाएगा क्या, सी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, सी ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास सी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सी ए कितना है, सी ए आपका क्या है, रेडियस है, हमने आपको बताया था किसका, स्क्वायर का, तो सी ए का स्क्वायर मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर,
OA कितना है आपका, ध्यान से चेक करिए, कहीं लिखा था OA आपका ये है किसका, कोन का रेडियस स्मॉल r जो कि वेरिएबल है, तो ये हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, अगर आप CO का स्क्वायर था ना, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा, लेकिन आपको आगे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि CO एक तरीके की लेंथ है, लेंथ हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव। तो ये आ गया आपके पास, CO की वैल्यू आ गई, ले जाके यहाँ रख दीजिए, तो BC कितना है r और प्लस CO, CO कितना है आपका स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर बच्चों आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और स्मॉल आर स्क्वायर आपका वेरिएबल है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद जो आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन है VC, वो बन गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये एच की वैल्यू रखिए, एच की वैल्यू क्या आ गई, आर प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हाइट को आपने बड़ी चालाकी से किसके फॉर्म में ले आए, स्मॉल आर और कैपिटल आर, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, उसकी कोई टेंशन है नहीं, तो इस तरीके से जो हमारा एच है वो स्मॉल आर जो कि वेरिएबल है के फॉर्म में आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, यहाँ से हो जाएगा वी सी इज इक्वल्स टू 1/3, अब देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर को एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करो, एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर और प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, देखो ये पूरा आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, करेक्ट। इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। स्टूडेंट्स ये वॉल्यूम ऑफ द कोन आपका आ गया था, इसको मैंने ऐसे ये यहाँ पे जो लिखा था मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, बस 1/3 पाई कैपिटल आर को मैंने पहले लिख दिया और आर स्मॉल आर स्क्वायर को मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमको, हमको इस वॉल्यूम को क्या करना था, मैक्सिमम करना था, वॉल्यूम ऑफ द कोन को हमको मैक्सिमम करना था, तो हम क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वॉल्यूम ऑफ द कोन को विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल स्मॉल आर, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग वीसी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा डी वी सी बाय डी आर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, देखो 1/3 पाई और कैपिटल आर ये तो कांस्टेंट है, 1/3 पाई इंटू कैपिटल आर ये तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव है, स्मॉल आर स्क्वायर का डेरिवेटिव स्मॉल आर के एस्पेक्ट में क्या होगा 2r, अरे एक्स स्क्वायर का 2x होता था एक्स के एस्पेक्ट में, तो स्मॉल आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, तो 2 को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और r को हमने पीछे लिख दिया, करेक्ट। तो 2r प्लस 1/3 और पाई ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखो आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर ये फर्स्ट फंक्शन और रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यानी कि 1/3 पाई तो बाहर है और यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आर स्क्वायर इंटू डी बाय डी आर ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाय डी आर ऑफ आर स्क्वायर, ठीक, ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास डी वी सी बाय डी आर इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर इंटू आर, 2/3 पाई आर इंटू आर, ठीक है, प्लस 1/3 पाई और इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें ये स्मॉल आर तो ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, सोचो अगर यहाँ रूट एक्स होता तो आंसर क्या था, 1/2 रूट एक्स, क्या था आंसर, 1/2 रूट एक्स, बट एक्स तो है नहीं अंदर, तो जो अंदर है वो कॉपी कर दो, ठीक, इनटू अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे, है ना, यानी कि इनटू डी बाय डी आर ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करोगे, इसको मैं यहीं सॉल्व कर दूंगा, अभी देखना ये कैपिटल आर क्या है, कॉन्स्टेंट, तो कैपिटल आर का स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो इसका जीरो हो जाएगा और माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, तो माइनस 2r आपके पास यहाँ बचेगा, यानी कि यहाँ पे माइनस 2r आपके पास बच गया। फिर से चेक करो, इस पूरे का किया तो 1/2 रूट, रूट फंक्शन किया था 1/2 रूट ओवर जो भी फंक्शन होता है अंदर लिख देंगे, ठीक, इन टू अंदर का करोगे तो क्या जाएगा, आर स्क्वायर का होता है जीरो, माइनस कॉपी कर लिया, जीरो जीरो नहीं लिखा मैंने यहाँ, ठीक है, जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं है, आर स्क्वायर का 2r, तो माइनस 2r हो गया, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, माइनस 2r इंटू 1, माइनस 2r ही होता है, ठीक, तो यहाँ पे हमने माइनस 2r कर लिया,
करेक्ट। अब देखिए माइनस टू आर इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू आर, आर का क्यूब हो जाएगा, तो माइनस टू आर का क्यूब। तो यहां पर क्या हो गया आपके पास, माइनस टू आर का क्यूब, करेक्ट। प्लस आगे बढ़ते हैं, और एक चीज और, टू से टू कैंसिल हो गया, और यहां पर हो गया आपके पास रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इन टू। अब ध्यान दें, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में टू आर, तो इस टू आर को मैं आगे लिख लूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई, पीछे मल्टीप्लाई कर लो टू आर को या आगे, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव टू आर आया, हमने आगे लिख लिया, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपके पास यहाँ से आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको साफ साफ लिख लेते हैं तो समझ में आएगा, टू अपॉन थ्री पाई आर इंटू आर और प्लस वन अपॉन थ्री पाई, देखो यहाँ माइनस आर क्यूब बचा, ठीक है, और अपॉन में क्या है, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है टू आर और रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, इसके अपॉन में वन लिख लिया भाई, किसी भी किसी भी क्वांटिटी के नीचे वन आप अपने मन से लगा सकते हो, लगा दिया, ठीक। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, टू अपॉन थ्री पाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर और प्लस वन अपॉन थ्री पाई। अब देखिए अगर आप इसका यानी कि रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वन का एलसीएम लोगे तो भाई इतना ही आ जाएगा, इतना यानी कि रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर, कुछ नहीं करो यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वन को इससे करो नीचे लिख दो, वन को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो माइनस आर क्यूब और प्लस इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करो तो टू आर तो ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान से सुनो, ये रूट वाली क्वांटिटी है और ये भी रूट वाली, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। इतना कॉपी करिए फिर मैं आगे बताता हूँ, डी वी सी बाई डी आर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इस डी वी सी बाई डी आर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, देखिए क्योंकि हमको पता करना पड़ेगा ना कि कौन से स्मॉल आर की वैल्यू के लिए, क्योंकि आर ही यहाँ पर वेरिएबल है, आर के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव किया है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से आर के लिए, आर की वैल्यू क्या हो कि जो वी सी है यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाए, लार्जेस्ट हो जाए या मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, डी वी सी बाई डी आर इज इक्वल्स टू, ये तो ठीक लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, टू पाई आर अपॉन थ्री इन टू स्मॉल आर, स्मॉल आर को मैंने थोड़ा अलग इसलिए लिखा है बिकॉज ये क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर ही लिख दो टू पाई आर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, प्लस वन अपॉन थ्री पाई। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है, आप अगर इसको पहले लिख लो भाई, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, इसको अगर आप पहले लिख लो, यानी कि आपने क्या किया, आपने किया अच्छा सॉल्व भी तो हो सकता है ना ये थोड़ा सा, तो सॉल्व चलो अभी बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको थोड़ा सा लिखो। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2r और ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, करेक्ट, और माइनस का r क्यूब, तो माइनस का r क्यूब ये हो गया, और अपॉन में रूट ओवर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, करेक्ट। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मुझे इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है, रखूंगा अभी, रुक जाओ। यहाँ पे जो r क्यूब है इसको आप क्या लिख सकते हो, r क्यूब को आप लिख सकते हो r स्क्वायर इंटू r, तो r स्क्वायर और इंटू r लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, r क्यूब को हमने क्या लिख दिया, r स्क्वायर इंटू r, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, ये फर्स्ट टर्म है यहाँ पर भी r है और ये सेकेंड टर्म है यहाँ पर भी r है, तो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से r हम कॉमन यहाँ पर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वी सी बाय डी आर इज इक्वल्स टू टू पाई कैपिटल आर अपॉन थ्री इन टू स्मॉल आर और प्लस वन अपॉन थ्री पाई, आर कॉमन ले लिया तो पाई आर, अंदर क्या बचेगा, टू बच जाएगा, स्मॉल आर तो गया बाहर, तो टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये आर चला गया कॉमन तो आर स्क्वायर बचा, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दें, अगर मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा लूँ, ठीक है, तो देखो ये रहा फर्स्ट टर्म आपका, ये फर्स्ट टर्म है, फिर प्लस लगा है, तो ये पूरा क्या है, सेकंड टर्म है, बिकॉज ये इसमें मल्टीप्लाई, तो इसको हम सेकंड टर्म मानेंगे। देखो फर्स्ट टर्म में भी स्मॉल आ रहा है और सेकंड टर्म में भी स्मॉल आ रहा है, कॉमन हो जाएगा, साथ में वन अपॉन थ्री पाई भी, यहाँ पर भी वन अपॉन थ्री पाई आपको मिल जाएगा, तो हमने क्या किया, वन अपॉन थ्री पाई का मतलब पाई अपॉन थ्री और स्मॉल आर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, पाई अपॉन थ्री और स्मॉल आर चला गया, तो टू आर बचा यहाँ, टू आर और प्लस
पाई आर अपॉन थ्री यानी कि वन अपॉन थ्री पाई, ये पूरा चला गया तो ये पूरा ब्रैकेट बचेगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास बचा टू इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया ऐसा। अब क्या करें? अब देखो, पता है मैंने इसीलिए इसको कॉमन निकाला था ताकि मैं यहाँ कमेंट कर सकूँ। देखो क्या मैं कमेंट करूँगा, ये पाई आर अपॉन थ्री पाई अपॉन थ्री आर, ये पूरे में मल्टीप्लाई है कि नहीं है? ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा सेकेंड टर्म है। देखो पाई अपॉन थ्री आर को अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, पाई आर अपॉन थ्री को अगर आप इस पूरे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर पाई आर अपॉन थ्री मिल जाएगा, ठीक। अब देखो, तो ये आपकी फर्स्ट क्वांटिटी है और यहाँ से यहाँ तक ये आपकी सेकेंड क्वांटिटी है, तो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ये तो जीरो हो नहीं पाएगा। क्यों? देखो, सिंस पाई अपॉन थ्री इंटू आर कांट बी इक्वल टू जीरो। वाई भाई? आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी वी सी बाई डी आर को भी जीरो को इक्वल रखोगे ना, यानी कि इस पूरे को किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के इक्वल। किसके लिए? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए ये जो डेरिवेटिव आया है, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हमको जीरो के इक्वल रखना है। बट जब हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो थोड़ी रीजनिंग करेंगे, बोले भाई ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि स्मॉल आर क्या था? रेडियस ऑफ द कोन था, ठीक है। कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ना, रेडियस की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ना, रेडियस की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती है स्मॉल आर की, नहीं तो कोन ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये जीरो नहीं हो सकता है, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। यानी कि क्या कि दिस इंप्लाइज टू आर प्लस टू इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इसको जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। अब यहां से हम स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो डी वी सी बाई डी आर आया था, आप अपनी कॉपी में देखिए या वीडियो रिवर्स करके देखिए, इतना आया था, इसको मैंने कॉपी कर लिया, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप साइड में लिख के रखिए और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने जब ये डी वी सी बाई डी सी को थोड़ा डी वी सी बाई डी आर को थोड़ा सा अरेंज जब किया था, जब इसको जीरो के इक्वल रखा था, तो ये जीरो नहीं है बट ये जीरो है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी, अगर ये जीरो के इक्वल होगी तो आइए देखते हैं स्मॉल आर की क्या वैल्यू आती है। कैसे करेंगे इसको? देखिए ये हो जाएगा आपके पास टू आर और प्लस, इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा ये टू आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस टू आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर तो है ही नीचे, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टू आर और प्लस, अब ध्यान दें ये तो हो जाएगा आपके पास टू आर स्क्वायर और माइनस, देखो माइनस टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस थ्री आर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर का आगे कुछ नहीं तो वन है, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री होता है, यानी कि माइनस थ्री आर स्क्वायर अपॉन में रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो क्या कि ये जो पूरी क्वांटिटी आपकी ये, ठीक है, तो ये पूरी क्वांटिटी के आगे भी कैसा है? पॉजिटिव। राइट में ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 2R इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट 2R स्क्वायर माइनस 3R सॉरी माइनस 9R कितना है 3 हाँ माइनस 3R स्क्वायर अपॉन रूट ओवर कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, एज इट इज एग्जाम में आ जाएगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो जाएगा 2R इज इक्वल्स टू माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्वांटिटी नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको पॉजिटिव वाले को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, यानी कि 3R स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस का 2 और कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, ये आ गया आपके पास कितना 2R के इक्वल, तो 2R का ये वैल्यू आ गया। अब मुझको ये हटाना है नीचे, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा, किसी भी क्वांटिटी से हम इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से राइट में मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट में भी मैंने इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और आ जाएगा आपके पास टू आर इन टू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड हो जाएगा आपके पास थ्री आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, देखिए
अब हम करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तभी स्क्वायर रूट हटेगा और सॉल्यूशन हो सकता है आगे। तो हमने लेफ्ट में भी स्क्वायर किया और राइट में भी स्क्वायर किया। अब ये स्क्वायर 2r को मिलेगा, 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। और देखो जब इस क्वांटिटी को स्क्वायर मिलेगा तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में, और ध्यान रखिएगा इसमें मल्टीप्लाई इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, यानी कि r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ये रहा आपका a का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो माइनस टू इंटू ए क्या आपका 3r स्क्वायर और b क्या आपका 2r स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 2r स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। चेक कर सकते हो आप यहाँ से a का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा है b का स्क्वायर और बीच में माइनस टू इंटू ए इंटू बी की जगह 2r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है r, तो 4r की पावर 4, 2 प्लस 2 4 माइनस 4r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर इंटू स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, r स्क्वायर को भी 3 का स्क्वायर 9 होता है और r स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4, ठीक है। देखिए 2 3 6 2 जै 12 r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, जिसको हम कैपिटल r स्क्वायर इंटू स्मॉल r स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और r स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4। अब ध्यान से चेक करिए, ये 4r की पावर 4 और 4r की पावर 4 पॉजिटिव है, तो अगर इसको उधर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो यहीं पर हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपके पास क्या, अब ये माइनस 12 आर स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आओ तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ आके ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि प्लस 12 आर स्क्वायर और यहाँ पर लेफ्ट में माइनस 4 आर स्क्वायर था, ये नेगेटिव माइनस नेगेटिव मतलब माइनस 4 आर स्क्वायर तो था और इसको हमने लेफ्ट में लाया तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक इज इक्वल्स टू 9 आर की पावर 4। अब देखिए ये लाइक टर्म्स हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई है और यहाँ पर भी 4 के साथ 12 के साथ भी कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर और 4 के साथ भी कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, तो 12 माइनस 4 8 होता है, तो आपके पास 8 और आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। सोचो ना अगर यहाँ x होता तो 12x - 4x 8x आता, तो x की जगह क्या है बस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आर की पावर 4, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि 9r की पावर 4 इज इक्वल्स टू 8r स्क्वायर आर स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आर स्क्वायर काट दो, नहीं काटो नहीं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। 9r की पावर 4 इसको लेफ्ट में लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस 8 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से आप आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 9 आर का स्क्वायर माइनस 8 आर स्क्वायर इन बस खत्म। देखो आर स्क्वायर बाहर चला गया तो 8 आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ आर की पावर 4 थी आर स्क्वायर गया तो आर की पावर 2 बचेगी। अब सुनो यहाँ पर फिर से देखो आर स्क्वायर और ये 9 आर स्क्वायर माइनस 8 आर स्क्वायर का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, ठीक। तो सिंस स्मॉल आर स्क्वायर कांट बी इक्वल टू 0, भाई आर जब 0 नहीं है तो आर का स्क्वायर 0 कैसे होगा ना, ये रेडियस ऑफ द कोन 0 थोड़ी ना होगा, इसका मतलब इस क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि 9r स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0, इसको 0 के इक्वल होना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जगह नहीं हुआ, तो 9r स्क्वायर को हमने ऐसे ही लिखा और ये जो नेगेटिव 8r स्क्वायर है राइट में जाएगा तो 0 में ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, यानी कि 0 प्लस 8r स्क्वायर 8r स्क्वायर, करेक्ट। अब 9 से बोथ साइड डिवाइड लगा दीजिए, तो 9 से लेफ्ट में 9 से राइट में, 9 से 9 गया तो आपके पास स्मॉल r स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 8r स्क्वायर अपॉन या 8 अपॉन 9 r स्क्वायर आ गई, ये आपकी स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू है। हमने तो आपको बोला था r निकालना था, कोई बात नहीं, अगर आप r निकालोगे तो उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, मतलब r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर रूट लो, 8 का स्क्वायर रूट 2 रूट टू r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r और 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। बट आप ध्यान रखिए ज़रूरत आपको r स्क्वायर की पड़ेगी, ठीक है, अभी समझ में आएगा आपको। अगर मैं बोथ साइड वापस स्क्वायर कर दूं तो आर स्क्वायर इतना हो जाएगा, कितना, 8 अपॉन 9 आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी आर की वैल्यू आ गई है, ठीक है, इतना कॉपी करिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ।
स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो VC था, वॉल्यूम ऑफ द कोन था, ये फंक्शन ऑफ R था, ये स्मॉल R पर डिपेंड कर रहा था। अपनी कॉपी निकाल के देखिए, इसको हमने स्मॉल R के फॉर्म में निकाला था और इसी V ऑफ C यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन को हमको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। यानी कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि R इज इक्वल्स टू टू रूट टू अपॉन टू रूट टू R अपॉन R। क्या है ये, क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये जो R की वैल्यू आई है इसको हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दिखाना पड़ेगा। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दिखाने के लिए आपका तरीका क्या है कि जो डबल डेरिवेटिव है यानी कि डी टू वी सी बाय डी आर स्क्वायर, ये लेस देन नेगेटिव आना चाहिए। कब? एट R इज इक्वल्स टू, R इज इक्वल्स टू क्या, R इज इक्वल्स टू टू रूट टू R अपॉन थ्री आप बोल दो, और चाहे R स्क्वायर, भाई R अगर इतना है तो ऑब्वियसली R स्क्वायर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर ऑब्वियसली 8 अपॉन 9 R स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? तो आपको क्या करना है, आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है आपको। ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे R के रिस्पेक्ट में, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे पहले, फिर उसमें हम R स्क्वायर की जगह 8 अपॉन 9 R स्क्वायर रखेंगे, और डी टू वी सी बाई डी आर स्क्वायर हमारा नेगेटिव अगर आ गया तो ये जो R होगा, जो रेडियस हमने फाइंड किया है, ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो इस रेडियस पर ये जो वॉल्यूम ऑफ द कोन जो आपने अपनी कॉपी में निकाल रखा है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर हम वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल लेंगे और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर से कंपेयर करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू 8.27 इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हम लाके दिखाएंगे। थोड़ा सा कठिन है नो डाउट, बट बहुत पेशेंस से करना है आपको। देखिए अब डी वी सी बाय डी आर, ये जो हमने निकाल के रखा था इसको हम फिर से कॉपी कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 2 पाई आर अपॉन 3 इनटू स्मॉल आर और प्लस 1 अपॉन 3 पाई। अब थोड़ा सा इधर आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिएगा। ये माइनस आर क्यूब तो मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया, ठीक है, और प्लस ये वाले ब्रैकेट को देखिए, 2 स्मॉल आर इंटू आर स्क्वायर, तो ऐसा ही रहेगा 2 स्मॉल आर इंटू आर स्क्वायर। अब आगे देखिए, प्लस 2r और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 2r इंटू आर स्क्वायर 2r क्यूब यानी कि माइनस 2r क्यूब, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय है आपके पास रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए ये वाली क्वांटिटी और ये वाली, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस आर क्यूब और माइनस 2r क्यूब, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यहाँ आर क्यूब के सामने माइनस वन है तो माइनस वन माइनस टू माइनस 3r क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास डी वी सी बाय डी आर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 पाई आर इंटू स्मॉल आर प्लस 1 अपॉन 3 पाई, और ब्रैकेट में देखिए 2r r स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, 2r r स्क्वायर को, फिर माइनस ये दोनों क्या बन गए थे, माइनस 3r क्यूब, और डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, करेक्ट। ऐसा कुछ हो गया हमारे पास। अब क्या करें, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बताता हूँ मैं, नहीं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए 1 अपॉन 3 पाई ये पूरे में मल्टीप्लाई है, ठीक। तो एक्चुअल में क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो ये 1 अपॉन 3 पाई है। अगर आप ये जो रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ठीक है, देखो बात समझो, कोई खास बात नहीं है। इस पूरे में पाई से मल्टीप्लाई होगा, अरे पाई इंटू वन क्या हो जाएगा यार, ऊपर पाई हो गया तो ये पाई यहाँ आगे मल्टीप्लाई करेगा तो पाई इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये बात होगी कि नहीं होगी, बात समझो, ठीक है। तो ये पाई इसको भी मिलेगा यानी कि ऊपर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर भी पाई लग जाएगा 2 पाई आर का क्यूब, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 3 आके यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, अरे ये पाई अपॉन 3 ही तो लिखा है यार आगे मल्टीप्लाई में, पाई इंटू वन पाई अपॉन 3, तो पाई इसमें मल्टीप्लाई करेगा इसमें भी, और 3 इस पूरे मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा 3 रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ गया हमारे पास डी वी सी बाय डी आर, ठीक है। तो सपोज आपने इसको 1 बोल दिया, इक्वेशन 1 आपने इसको बोल दिया, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू आर अगेन, तो क्या हो जाएगा ये डी टू वी सी बाय डी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तब तो कोई टेंशन नहीं है, क्यों, 2 अपॉन 3 पाई आर तो कांस्टेंट था, 2 अपॉन 3 पाई आर तो कांस्टेंट था, और स्मॉल आर का आर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो उसको हमने नहीं लिखा, प्लस जो भी टेंशन है आपकी यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो फंक्शन को आर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपको कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। कोशेंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर यानी कि 3 इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू डी बाय डी आर ऑफ
न्यूमरेटर यानी कि 2 पाई आर आर स्क्वायर माइनस 3 पाई आर क्यूब माइनस न्यूमरेटर यानी कि अब देखो यहाँ पे जगह बच नहीं रही है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, है ना, नहीं तो फिर जगह नहीं बचेगी तो मज़ा नहीं आएगा फिर। चलो ये प्लस हमने कॉपी किया ऐसे ही, ठीक है। क्वेश्चन टू लगाओ, डिनोमिनेटर इंटू डिवाइड एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिवाइड एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यही होता है। तो डिनोमिनेटर यानी कि 3 इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी आर ऑफ आर के स्क्वायर कर रहे हैं ना, ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 2 पाई आर आर स्क्वायर माइनस, अब देखो ये 2 पाई आर आर स्क्वायर को मैंने क्या किया, 2 पाई आर स्क्वायर लिखा और आर को मैंने बाद में लिखा, ठीक है, माइनस 3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी आर ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर यानी कि 2 पाई आर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस 3 पाई आर क्यूब इंटू डी बाई डी आर ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है 3 रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये होल पूरा, ये डिवाइड होगा आपका किससे, ये प्लस यहाँ कहीं है, ठीक है, पूरा डिवाइड होगा किससे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, चेक करो, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी आर ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी आर ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 2 अपॉन 3 या 2 पाई आर अपॉन 3 भी आप इसको बोल सकते हो, और प्लस इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहले इसको हम लाइन यहाँ पे एक लगा लेते हैं, नीचे क्या बचा है, नीचे बचा आपके पास 9 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू, अब देखो ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में, 2 पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 2 पाई आर स्क्वायर तो क्या है आपका कांस्टेंट है, और आर का आर के रिस्पेक्ट में 1 होगा उसको हम नहीं लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आर क्यूब का क्या हो जाएगा, आर क्यूब का हो जाएगा आपका 3 आर स्क्वायर, वो 3 आगे आगे मल्टीप्लाई करेगा तो 9 कर देगा, पाई तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और आर का स्क्वायर आर की पावर में 1 माइनस हो जाएगा, ठीक, माइनस इन द ब्रैकेट 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर माइनस 3 पाई आर क्यूब, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, इस 3 को आप आगे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आगे हमने इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, और रूट फंक्शन का करोगे तो 1/2 रूट हो जाता है, तो हो जाएगा 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 1/2 रूट दिस फंक्शन इन टू डी बाई डी आर ऑफ दिस, इसका करोगे तो आर स्क्वायर का 0 और माइनस आर स्क्वायर का माइनस 2 आर, ठीक, ये हो गया। अब ये देखिए ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, और नीचे तो ऐसे ही रहेगा 9 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इतना देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। स्टूडेंट्स ये डी टू वी सी बाय डी आर स्क्वायर आया जो हुआ है आपका, इसको थोड़ा सा अगर हम और सुधार के लिखें, वैसे सुधारने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं सुधार के थोड़ा सा लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा डी टू वी सी बाय, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा तो आपको समझ में आएगा, इज इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे ही कॉपी कर लीजिए 2 पाई आर अपॉन 3, ओके, और प्लस 3, और देखिए ये हो जाएगा आपके पास रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 9 पाई आर स्क्वायर, अच्छा 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलो 9 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है ना, ठीक है, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर है, यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये अलग अलग टर्म्स हैं। अब ध्यान से चेक करो यहाँ पीछे क्या बचा हुआ, माइनस आर, ठीक है, तो माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो अब मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, ठीक, और उसके बाद ध्यान से चेक करिए इस आर को उठा के आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो अगर इस आर को, ये 3 तो आप बाहर रहने दो, और आर को अंदर मल्टीप्लाई अगर आप कर लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी कि 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस
माइनस थ्री पाई, अब देखो ये आर आएगा अंदर तो आर की पावर फोर कर देगा, यानी कि माइनस थ्री पाई और आर की पावर फोर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपके पास रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये जो ये प्लस यहाँ पे लगा है इसको लगा रहने दो, ये पूरी क्वांटिटी आपकी जो डिवाइडेड बाय है वो डिवाइडेड बाय है किससे, घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा ये ऐसे, ठीक। अब हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बोला था कि डी टू वी सी बाय डी आर स्क्वायर आपको कहाँ पे निकालना है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एट अपॉन नाइन आर स्क्वायर पे, यानी कि अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ध्यान से चेक करिएगा, हम इसमें क्या पुट करने जा रहे हैं, आर स्क्वायर की जगह एट अपॉन नाइन कैपिटल आर स्क्वायर। अगर हम ऐसा करेंगे तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिएगा जरा समझिएगा बात को, ये तो हम ऐसा ही कॉपी कर लेंगे बिकॉज ये वाले टर्म में तो कहीं स्मॉल आर है नहीं कि जो आप स्मॉल आर की वैल्यू रखोगे, या स्मॉल आर स्क्वायर तो है नहीं कि, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। प्लस अब यहाँ पे जहाँ जहाँ स्मॉल आर स्क्वायर आ रहा है वहाँ वहाँ एट अपॉन नाइन आर स्क्वायर रखिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें निकाल के दिखाता हूँ, आप उसको देखिएगा तो उससे हमारा फ़ायदा होगा और पक्का डी टू वी सी बाय डी आर स्क्वायर जो है वो लेस देन जीरो आ जाएगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और ये अजीब सा क्वेश्चन भी है, नो डाउट इसमें एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव काफ़ी अजीब सा आ रहा है, बट आपको करना तो पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं अगर आपको निकाल के दिखाऊं क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, एट अपॉन नाइन आर स्क्वायर, एट अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर की जगह एट अपॉन नाइन और कैपिटल आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो नाइन आर स्क्वायर माइनस एट आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन नाइन आ गया, यानी कि आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन नाइन आएगा। और अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर रूट ऑफ नाइन थ्री, तो यानी कि जरूरत पड़ने पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर अपॉन नाइन रखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह आर अपॉन थ्री रखोगे। तो देखो जरा थ्री इंटू, हाँ भाई चलो बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह क्या रखना है, आर अपॉन थ्री, तो यहाँ पर हमने रखा आर अपॉन थ्री, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, इसको मैं आपको अलग से सॉल्व करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, सॉल्व करता जाऊँगा आप देखते जाइएगा, टू पाई आर स्क्वायर माइनस नाइन पाई, नाइन पाई इन टू क्या है आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर के स्क्वायर की जगह आपको एट अपॉन नाइन आर स्क्वायर रखना है, तो एट अपॉन नाइन आर स्क्वायर, करेक्ट। देखिए यहाँ से नाइन से नाइन चला गया तो ये हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर माइनस नाइन से नाइन गया तो एट पाई, एट पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 2 और माइनस 8, माइनस 6, तो माइनस 6 पाई आर स्क्वायर हो गया, बात समझ में। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है हमारी वो कितनी आई है, माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, और प्लस 3, ओके। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए, अगर आपको कॉपी करना हो कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 3 पाई आर की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई, अब देखो कैपिटल आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, स्मॉल आर स्क्वायर की जगह 8 अपॉन 9 आर स्क्वायर, तो 8 अपॉन 9 आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 पाई आर की पावर 4, ठीक है। अब आर की पावर 4 का मतलब क्या, आर की पावर 4 का मतलब है, आर की पावर 4 का मतलब आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ये जो आया था हमारा क्या 8 अपॉन 9 आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये रही आर की वैल्यू, सॉरी 8 अपॉन 9 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू, और उसका भी हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आर की पावर 4 की जगह आप क्या रखोगे, 8 का स्क्वायर 64 और 9 9 जा 81 और आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4, यानी कि आर की पावर 4 की वैल्यू कितनी, ये है 64 अपॉन 81 इंटू आर की पावर 4, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 28 जा 16, तो 16 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर की पावर 4 और अपॉन में 9, यानी 16 अपॉन 9 पाई आर की पावर 4 माइनस, अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 3 वन जा और 27 टाइम्स 81 हो जाएगा, तो 64 पाई अपॉन 27 इंटू आर की पावर 4, ऐसा कुछ आ गया, ठीक। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 27 और 9 का जो LCM है वो आ जाता है 27, और 27 को अगर आप डिवाइड लगाओगे किससे, 9 से, तो 3 आएगा और 16 3 जा 48, यानी कि 48 पाई आर की पावर 4 और माइनस यहाँ पर तो 64 पाई आर की पावर 4, तो 64 पाई आर की पावर 4 ही रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू
हाँ भाई, अब 64 में से 48 माइनस करो, 64 में से 48, 14 माइनस 8 6, और 5 माइनस 4 1, माइनस का 16, क्योंकि ये 64 बड़ा था, तो माइनस का 16 पाई आर की पावर 4 अपॉन 27, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 16 पाई आर की पावर 4 अपॉन 24। ठीक है, तो 3 इंटू, इसकी जगह हमने क्या लिखा, इसकी जगह हमने लिखा माइनस 16 पाई आर की पावर 4 अपॉन 27 और डिवाइडेड बाय क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैंने अभी बताया था आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह आर अपॉन 3, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर अपॉन 3, मार्कर नहीं चल रहा है, एक मिनट चला। ठीक है, यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर अपॉन 3, ऐसा हो गया। ठीक है, इतना आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। और अभी होल डिवाइडेड बाय क्या है, 9 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी है। ठीक है, इतना देख लीजिए। चलो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, नो डाउट। ठीक है इसमें कुछ भी नहीं, फिर भी बच्चे छोड़ के इसको भाग जाते हैं। अब देखिए, बार बार जब प्रैक्टिस करोगे, जब आना वही क्वेश्चन है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओ फटाफट। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, नीचे क्या है, 9 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, आर स्क्वायर अपॉन 9, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर अपॉन 9, इसकी जगह आर स्क्वायर अपॉन 9, 9 से 9 गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2 पाई आर अपॉन 3 और प्लस, अब ध्यान से देखिए, 3 से 3 गया। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास हो गया क्या, यहाँ पर हो गया आपके पास 6 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर का क्यूब और माइनस भी लगेगा, यानी कि माइनस 6 पाई आर का क्यूब, करेक्ट, ऐसा हो गया आपके पास। और प्लस, अब ध्यान दें, तो ये प्लस माइनस, देखो ये नहीं सॉल्व कर पाते कुछ बच्चे, इसको मैं अलग से करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए जो बच्चे ये पोर्शन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, वो देखें ऊपर क्या है, ऊपर है आपके पास क्या, माइनस 16 पाई आर की पावर 4 अपॉन 27 ये है, फिर ये जो लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे भाई डिवाइडेड बाय व्हाट, आर बाय 3, तो ये हो जाएगा माइनस 16 पाई आर की पावर 4 और अपॉन में 27, और जब आप यहाँ से डिवाइडेड बाय हटा के क्रॉस लगाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3 अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 वन ज़ा 3 और 3 नाइन ज़ा क्या होता है 27, और ये एक आर और आर की पावर 4 था, तो कटेगा तो आर की पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, तो आगे आपके पास क्या, नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ 16 पाई आर की पावर 3 अपॉन में 9, ऐसा आ गया। ठीक है ना, तो यही चीज़ इस पूरे क्वांटिटी की जगह हम लिख देंगे, तो 3 तो बाहर था, 3 इंटू क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया माइनस ऑफ 16 पाई आर क्यूब अपॉन 9 अपॉन 9, ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखो 3 वन ज़ा 3 और 3 थ्री ज़ा 9 और होल डिवाइडेड बाय, ये तो अलग क्वांटिटी प्लस में जो लिखा हुआ है, इसको छोड़ो आप। ठीक है, इसको देखो डिवाइडेड बाय क्या बचा नीचे, आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर अपॉन 3, और अब ध्यान से अगर आप चेक करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ हो गया माइनस 6 पाई आर क्यूब, अब देखो प्लस यहाँ पर माइनस है, तो माइनस 16 पाई आर क्यूब और अपॉन में क्या बचा 3, तो 16 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर, ये ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए क्या होने वाला है, अब हम अंदर से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर अपॉन 3, तो हम ऐसे ही कॉपी करेंगे, और ध्यान से चेक करिएगा मैं अंदर से माइनस आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस आर स्क्वायर अगर मैं अंदर से कॉमन लूँगा तो ये प्लस किस में चेंज होएगा, माइनस में, और आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, और माइनस भी ले लिया तो ये साइन अंदर के चेंज होगी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि 6 पाई आर बच जाएगा यहाँ, 6 पाई आर और माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस 16 अपॉन 3 पाई आर, प्लस 16 अपॉन 3 पाई आर अपॉन में आर स्क्वायर, बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, माइनस का आर स्क्वायर ही तो कॉमन लिया है बस। ठीक है, अगर आप माइनस आर स्क्वायर को वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऐसा ही मिल जाएगा। ठीक है, जब माइनस आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये वाला प्लस कैसा चेंज हो गया, माइनस में, अब देखो ये आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इतना आप कॉपी करिए, पहले कॉपी कर लीजिए, इतना कर लिया, चल तो देखो
कुछ बच्चे बोलेंगे क्या चल रहा है भाई, यही है भाई, चलेगा चलेगा, प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। देखो अब हमारा आ गया क्या सॉल्व करके, 2πr बाय 3 और माइनस, अब ध्यान दीजिए माइनस का ये बचा ब्रैकेट में और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 6πr और प्लस 16 बाय 3πr, करेक्ट। तो ये आ गया आपके पास 2πr अपॉन 3 और माइनस ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं यहाँ 1 और 3 का एलसीएम, 3 ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 18, 3 से 18 पाई आर और प्लस 16 पाई आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2πr अपॉन 3 और माइनस, अब ध्यान दें 18 प्लस 16 34, तो 34 पाई आर अपॉन 3, करेक्ट। अब आप क्लियरली देख सकते हो क्या एलसीएम क्या आ जाएगा 3 और ऊपर क्या हो जाएगा 2πr माइनस 34 पाई आर, हाँ भाई 2 माइनस 34 माइनस 32 पाई आर अपॉन 3। अब बताओ ये जो माइनस 32 पाई अपॉन 3 है ये क्या है, ये लेस देन 0 ही तो है, क्यों, r तो हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर r और पाई भी पॉजिटिव होता, r और पाई अगर हमेशा पॉजिटिव है, चेक करो ना, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव, इसके आगे नेगेटिव लगा है तो ये हमेशा क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब हमने क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया कि ये जो आपका d2vc बाय dr स्क्वायर जो आपने निकाला है कहाँ पर, एट r स्क्वायर इक्वल्स टू 8/9 r स्क्वायर बोल दो या एट r इक्वल्स टू 2√2r/3 बोल दो, बात क्या है सेम है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट आपने r निकाला था, क्योंकि vc किसका फंक्शन था, वॉल्यूम ऑफ कोन किसका फंक्शन था, स्मॉल r का, तो स्मॉल r की इस वैल्यू पे 2√2/3 r पे हमने सेकेंड डेरिवेटिव को कैसा दिखा दिया, नेगेटिव दिखा दिया, लेस देन 0 दिखा दिया, इसलिए देयरफोर व्हाट r इज इक्वल्स टू 2√2r/3 इज द व्हाट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसलिए क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फॉर व्हाट, फॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन vc, ओके। तो इतना पहले कॉपी करिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। स्टूडेंट्स ये जो हमारा स्मॉल r आया है या फिर जो r स्क्वायर आया है, ठीक है, तो अब आपको स्मॉल r यानी कि कोन की रेडियस पता चल गई, ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम क्या था याद करिए, वॉल्यूम ऑफ द कोन था आपका 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच था, तो निकाल लेते हैं पहले इसको, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 और ये वॉल्यूम ऑफ द कोन मैक्सिमम कब होगा, जब आर स्क्वायर इतना होगा, ठीक। अब देखिए एच का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, याद होगा आपकी कॉपी में, देखिए एच का वैल्यू इतना होगा कहीं पर, ध्यान से चेक करिए, एच इज इक्वल्स टू आर प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस, अब देखो रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या बताया था मैंने, आर अपॉन थ्री रखना है, उसकी जगह हमने आर अपॉन थ्री रखा, तो हाइट ऑफ द कोन क्या आ जाएगा, देखो 3r प्लस आर यानी कि 4r/3, तो ये हाइट ऑफ द कोन आ गया, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं पाई। अब देखो स्मॉल r स्क्वायर की जगह हमने सब कुछ हमको स्फेयर के रेडियस के फॉर्म में रखना है, ठीक है, तो स्मॉल r स्क्वायर की जगह 8/9 कैपिटल r स्क्वायर, तो यहाँ पर रखा हमने 8/9 कैपिटल r स्क्वायर इंटू एच की जगह आप क्या रख सकते हो 4r/3। अब कुछ भी करके आपको इसको किसके इक्वल लाना है, इसको आपको लाना है 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर के इक्वल लाना है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो 8/27 आना चाहिए बाहर, तो ये रहा 8 और 27 यहाँ से मिल जाएगा, तो 8/327 इसको हमने बाहर कर लिया, 8/27 को हमने बाहर कर लिया, बचा क्या क्या, और बचा आपके पास ध्यान से चेक करिए पाई बचा, 4 बचा, 4/3 और पाई बच गया, तो हमने लिखा यहाँ 4/3 पाई, ठीक है, और आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर का क्यूब बचा, ये कैपिटल आर क्या था, ये कैपिटल आर था रेडियस आपका किसका, स्फीयर का, करेक्ट। तो आप ध्यान से चेक करिए ये जो कुछ भी बचा है भाई, इसी सबको रीअरेंज करके हमने ऐसे लिख लिया, 8/ ये जो पोर्शन है ये 8/27 बन गया, बचा क्या 4r³/3 इंटू पाई, 4r³/3 मतलब जो भी बचा आप देख लो, ठीक है, तो vc इज इक्वल्स टू 8/27। अब ये क्या है, ये क्या है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, ये क्या था vs मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर था, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर क्या था 4/3 इंटू रेडियस का क्यूब, रेडियस क्या था कैपिटल आर था स्फेयर का, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, हेंस प्रूव्ड हो गया क्या कि लास्ट में आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल्स टू 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द
स्फेयर। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ देखिए एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाते रहते कॉमेंट सेक्शन चेक करना और लिंक चेक करना ना भूलें।